मौका दे रही हूँ अपने इन 6 सब्सक्राइबर्स को पूरे 50,000 रुपए जीतने का। होगा ये कि आज मैं इनसे अलग अलग चीजें करवाऊंगी और इनमें से जो भी अपनी जुबान से एक भी वर्ड बोलेगा या जरा सा भी शोर करेगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, और जो लास्ट तक अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेगा वो होगा इस चैलेंज का विनर और उसको मिलेंगे ये पूरे 50,000 रुपए। अरे यार लड़की हूँ यार, मैं चुप कराने का काम है मेरा, चुप कैसे रहूंगी मैं। मेरे लिए चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरा चुप होना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, सो लेट्स सी। मेरे लिए ये चैलेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि लड़कियों को लाइक हमेशा बोलते रहना पसंद होता है। बात तो सही है भाई, हमारे तो खानदान में कोई चुप नहीं रहता। भाई हमारे तो खानदान में कोई चुप नहीं रहता, तो मैं कैसे चुप रह लूंगा। बाकी वैसे पैसे पसंद है सबको, तो पैसे के लिए तो खानदान भी चुप हो जाएगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा। भाई 50,000 का सवाल है, मैं चुप क्या मौन व्रत रख लूं। अगर इस चैलेंज में मुझे चुप ही रहना है तो मैं एक काम करना चाहता हूँ। गाइस इनको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज मैं इनसे कितनी एक्सट्रीम चीजें करवाने वाली हूं। तो गाइस अब तुम्हारा चैलेंज शुरू होता है। अब तुम में से किसी के मुंह से भी अगर ऊ आ अंगा कोई भी आवाज आई तो वो हो जाएगा इस गेम से बाहर। ठीक है, पानी वानी तुम चाहिए तुम्हें, किसी को चाहिए तो तेरा चैलेंज शुरू हो गया था यार। मैं तो अपनी पूरी भड़ास निकाल के बैठा था कि एक ही बार चिल्ला लेता हूँ फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, पर भाई क्या ही बोलूं, अब तो बोल दिया। और गाइस इन पर नजर रखने के लिए हमने लगा दी है सिक्योरिटी कैमरास और इनको पहना दिए ये माइक, जिससे ये अगर जरा सी भी आवाज करते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी, कुछ तो कह रही थी, याद ही नहीं आ रहा, बोर तो नहीं हो रही? हो रही हो तो बता देना, एंटरटेन करा देंगे। चाहिए खाने के लिए? मना नहीं करती मैं, जूस वूस कुछ चाहिए क्या बता देना। गाइस अगले टास्क में हम इनके ऊपर करने वाले हैं लाफ्टर टॉर्चर, जिसमें मैं इनको कुछ जोक सुनाएगा और इनको हंसाने की कोशिश करेगा और इनको अपनी हंसी के साथ साथ अपनी आवाज को भी बंद रखना है। ये बुबू करना, मुंह से आवाज तो आनी नहीं दे रहे, तो क्या करना है, इनको हंसा देना है क्या? इनको हंसाना है, इनको रुलाना है, बस इनके मुंह से आवाज निकलवानी है। मैं हंसा दूंगा, बहुत कॉमेडियन वो हूं मैं। चुटकुले सुना दूं? तो अपने चुटकुले में इनको सुनाता हूँ। भाई देखो हंसना है, मेरा वो करना है अप्रिसिएशन, यानी कि भाई चुप बैठे हो। तो पहला चुटकुला क्या था? हंसो यार, यही चुटकुला था। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। एक खुशी नाम की लड़की अगर रोती है तो उसको कोई सीरियस नहीं लेता। पूछो क्यों? पूछो क्यों तो बोलो, क्योंकि लोगों को लगता है खुशी के आंसू में। नहीं तो यार हंस नहीं है यार तुम, ये मेरा मनोभाव। चलो दूसरा सुनाता हूँ। एक टीचर पूछती है अपने स्टूडेंट से कि बताओ रेडियो और अखबार में क्या फर्क है, तुम बताओ बताओ। बच्चा बताता है कि रेडियो में हम पराठे नहीं लपेट सकते। यार तो तगड़े जो मेरे यार, ये हंसी नहीं रहे, कॉमेडी नहीं बन गया? कॉमेडी तो बहुत भयंकर हो रही है बस। अगर एक पति बोलता है अपनी पत्नी से कि तुमसे शादी करके मेरा बहुत फायदा हो गया, तो पत्नी पूछती है क्यों? तो पति बोलता है कि मेरे जो सारे पाप थे उनकी सजा मुझे इसी जन्म में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं वो तेरे घटिया जो खुद हंसता रहता है। ये रोने लग गए यार, हंसो यार। अरे ये तो बेकार है यार, मैं जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हुई। गाइस इस राउंड में तो ये सारे के सारे बच गए, बट कोई बात नहीं यार, अभी तो आगे इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है। गाइस ऐसे इनके बाद निकले चाहे ना निकले, पर वैक्सिंग से अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। देखो भाई ऐसे तो तुम बोलो चाहे ना बोलो, पर तुम लड़की हो, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वैक्सिंग में कितनी आवाज निकलती है, कितना दर्द होता है। रेडी हो, कुछ बोलोगी? वन टू थ्री। अच्छा नहीं निकाल रही। नहीं निकली आवाज, कोई बात नहीं, आ जाओ। स्ट्रॉन्ग थी लड़की। भाई हाथ तो इसके पहले से ही क्लियर है, पैर दिखा दो। एक काम करो, यहाँ रख लो, आज तुम मेरे ऊपर पैर भी रख लो यार, मुझे पता।
पैरों की उंगलियों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं जब वो निकलते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। कुछ फीलिंग जाहिर करना चाहोगी, कुछ बोलना चाहोगी? बोलो यार, मैं बता रही हूँ, बोलो, तुम खुल के बोलो। नहीं बोलना, जाओ भाई। पैर की उंगलियों के बाल निकालने में बहुत दर्द होता है, पता नहीं कैसे सह गए। इसके भी हाथ साफ है यार। यार लड़कियां यार थोड़ी ना हाइजीनिक होती, पहले ही अपना सारे वैक्सिंग वगैरह करा के रखती है। आज अपना हाथ दिखा दो, निकाल दू। अच्छा तुम बोलोगे तो निकाल दू, निकाल दू। एक एक्सप्रेशन नहीं आया इसके मुंह पे। जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से। टाइम वेस्ट करा दिया और मेरी स्ट्रिप भी। बाल ही बाल, बालों का खदान। इस आदमी के इतने बाल हो ना जो अनिल कपूर हो यार, उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा। कहाँ ना करूँ ये बता, हर जगह बाल है। ला देख, ये जो भी हो रहा है चैलेंज के लिए हो रहा है, तो तेरी रजामंदी है नहीं है कुछ भी, चाहे तू बोल सकता है कि मेरे को नहीं कराना, बोल ले। सन्नाटा क्यों है भाई? पूरा हाथ में कर दूं, पैरों में भी है? नाई की दुकान पे बैठा है, भाग यहां से। यहां चैलेंज चल रहा है, पूरी पूरी ये बाल हटाने बैठी हूँ क्या मैं? ये मेरा बिजनेस है। एक और आया, ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेगा। बोल बोल, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ, मैं सुनूंगी तेरा दुख। पता ये क्या है? नहीं बता, अभी पता चलेगा। वन टू, भाई दर्द तो हुआ है, दर्द तो बहुत अंदर तक हुआ है, बस मुंह पे नहीं आया। गाइस इनका अगला टास्क होने वाला है टिकलिंग, जिसके लिए हमने मंगवा रखे यहाँ पे तरह तरह के औजार, और इनसे इनकी आवाज ना निकली तो फिर किससे निकलेगी यार? अच्छे से मयंक, इसकी इतनी हंसी निकलवानी है ना। ओ बेबी व्हेन यू टॉक, क्या कर रहे हो यार? मेरे हाथों का मजा तो ले रहा थे यार, ये तो एंजॉय कर रहा है। आओ इधर आओ भाई, है ना। नहीं हंसरी, नहीं हंसरी, अरे बोलते है यहाँ नहीं बोल रहे यार, पहले बोल रहे थे। वैक्सिंग में दर्द तो नहीं हुआ था बट गुदगुदी तो होती होगी। फ्री की सर्विस ले रहे, मुझसे इनके पैसे चार्ज करता हूँ इन सब चीजों करने के। स्पा में काम करता था पहले। हो तो रही है, हो तो रही। ये गूंगी लग रही है मुझे तो। नहीं ऐसे तो जा भाई, जा जा, चिप्स खाओ। ये ऐसे नहीं हंसेगा, ये बहुत खूंखार है, सारे चैलेंज जीत के जाता है। उल्टा हो जा, कोड्डा हो। मारना नहीं है, कोशिश। देख हंसी आवाज निकल रही है इसकी। ये देख, 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 ये भाई। अंश होता है एलिमिनेट। मेरे सामने मुर्दे बोल जाते हैं तो जिंदा लोग हैं। औकात मेरे भाई, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है पर हंसी कभी जिंदगी में कंट्रोल नहीं हो सकती। बैठो, तो पागल है क्या? भाई भाई भाई, राहुल गांधी जीतेगा 2025 में, सच्ची मान ही बनेगा तेरे। आओ जाओ, नहीं पा रहे घूमने लोग उधर के। गाइस ये चारों है मेरे टॉप फोर, जिन्होंने सुबह से अपनी जुबान पे लगाम लगा रखा है और गेम में बने हुए हैं। पर अब मैं इन चारों को दे रही हूँ एक सुनहरा मौका अपनी जुबान खोलने का और इस मिस्ट्री बॉक्स को लेकर गेम से आउट होने का। तो भाई यहाँ तुम्हारे सामने एक डब्बा रखा है और तुम सबके पास ही है एक चॉइस। अगर तुम्हें इस गेम में आगे नहीं जाना है और तुम क्विट करना चाहते हो तो तुम ये डब्बा ऐसे उठा सकते हो और गेम से बाहर हो सकते हो। तो चलो कुछ भी हो सकता है इसमें, हो सकता है मैं मिल जाऊं तुम्हें। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। चलो छू के देख लो, एक काम करो,
टच करके तुम फील करके देख सकते हो, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन बना सकते हो। बताओ, जाओ टच करके देख लो। देख लो भाई, ऐसा मौका आए ना आए। आए ना आए क्या? आएगा ही नहीं। फिर तो जल्दी चली नहीं सकता। देख ले भाई, तू भी कर ले इसकी तहकीक। सोचा है कुछ नहीं, सोचा। 10 सेकंड तक का टाइम मिलेगा बस सीटी बजाने के बाद, ठीक है भाई? जिसको भी लगता है वो भाई ले सकता है। दुकान खुल जाएगी तुम्हारी, जीतेगा तुम में से एक, पर डब्बा लेके तुम विनर बन सकते हो बिना जीते भी। लेना मिस्ट्री बॉक्स लेना। पक्का फाइनल? बाद में डिसीजन बनना नहीं देगा। ठीक है, ओके, मिलेंगे। अब भाई तुम तीनों देख लो कि क्या तुम्हें लेना था नहीं लेना था। तो भाई इसमें निकले इनके एयरपोर्ट्स एप्पल के। अच्छा, सुबह से चुपो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, तभी मैं ये मिस्ट्री बॉक्स ले रही हूँ। जवान खुल गई तो 2-4 तारीख मेरी भी कर दो। मेरे जोक कैसे थे? अब तो मुझे बोलो यार, अब भी है। अब भी बोल बोल। तो गाइस, पूनम तो मिस्ट्री बॉक्स लेके इस गेम से बाहर हो गई और ये हमारे टॉप 3। और यार, अगर आप लोग भी मेरी वीडियो का पार्ट बनना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब टू निशु तिवारी ब्लॉग्स। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड। तो गाइस, अपने टॉप 3 को एडवेंचर कराने के लिए मैं लेकर आई हूँ एडवेंचर आईलैंड। और यहाँ पर मैं इन तीनों को करवाने वाली हूँ एक ऐसी राइड जहाँ पर तो अच्छे अच्छों की चीखें निकलती ही है। और ये वही राइड है जहाँ तो मेरी भी चीखें निकल गई थी। देखते हैं ये अपना मुंह कितनी देर बंद रख पाते हैं। अब ये बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे। बाइक खुल गया, खुल गया। स्माइल निकल रही है, अभी निकलेगा दम। ओ भाई, ओ ये भैया, ये तो बोल रही है, चिल्ला पड़ी मैं। तो गाइस, एक ने तो खुद ही कंफर्म कर दिया कि भाई वो बोल पड़ी, चिल्ला पड़ी। पर इन दोनों का अभी भी हमको चेक करना बाकी है, तो हम इनकी क्लिप चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इस राउंड से कौन कौन बाहर होने वाला है। और इन तीनों के क्लिप रिव्यू करने के बाद जो इस राउंड से बाहर हो रही है वो है निशिता, जिन्होंने पहले ही आगे बोल दिया मैं चिल्ला पड़ी और मैं जा रही हूँ बस। तो फाइनली हमको मिल गए मेरे टॉप 2, पर इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी चैलेंज में बहुत कुछ बाकी, इनके साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दो। और इस वीडियो में मैं एम करती हूँ पूरे 2 लाख लाइक, क्योंकि ये टॉप 2 हैं, तो 2 लाख। गाइस, सुबह से शाम हो गई पर इन दोनों ने अपनी जुबान पे बहुत अच्छे से लगाम लगाया हुआ है। पर यार, कुछ जगह ना ऐसी होती है जहाँ पे हमारी जुबान पे लगाम नहीं लग पाता, और वैसी एक जगह है ये हॉन्टेड हाउस, जहाँ ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी इंसान डरता है और चीखता है। मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ एग्जिट पॉइंट पे, अब देखते हैं क्या होने वाला। भाई कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये है ही इतना स्केरी। चीखे तो निकलती है देखो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जाएगा।
दोनों की क्लिप चेक हो चुकी है और यार दोनों के दोनों बहुत जिद्दी हैं और बहुत ज्यादा बहादुर भी, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपना मुंह जरा सा भी नहीं खोला। गाइस सुबह से मैंने इन पे बहुत सारी प्रताड़ना करी पर इनकी जुबान नहीं खुली। पर अब आने वाले एक ऐसे अनचाहे मेहमान जिनके आने से यार कभी कभी ना इंसान चीख पड़ता है और चिल्ला भी पड़ता है, तो ले आए। ओह माय गॉड, ने भी बहुत मेहनत करी है तो उसको मैं खाली हाथ तो जाने दूंगी नहीं, तो उसको मिलती है मेरी तरफ से गिफ्ट में ये स्मार्ट वॉच। तो गाइस अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो का ऐसे पार्ट बना तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करो निशु तिवारी ब्लॉग, सब्सक्राइब निशु तिवारी ब्लॉग्स चैनल।